अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। व्यक्ति विशेष के खास कार्यक्रम में आज मौजूद हैं गोरखपुर में, और हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका विशेष योगदान है और प्रमुखता से उन्होंने निभाया भी है, और तमाम मुद्दे हैं, वो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे मंदिर के मुद्दे हों या और भी मुद्दे हों, इन सभी मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण शास्त्री जी, और संस्कृताचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या है सामाजिक मुद्दा, और खास बात करते हैं प्रवीण शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे नेटवर्क पे। सबसे पहले हम प्रभा साक्षी न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुकाम पे आपके इस चैनल को पहुँचाए हैं। और प्रणव तिवारी जी, मीडिया की जो भूमिका होती है बिल्कुल बेबाकी से सामाजिक गतिविधियों को, सरकार की गतिविधियों को, अधिकारियों के गतिविधियों को, सबको बेबाकी तरीके से जनता के बीच में जो रखने का कार्य मीडिया करती है। तो मेरी भी उम्मीद है प्रणव तिवारी जी आपसे कि आपका ये जो प्रभा साक्षी न्यूज है इस माध्यम से जनता के बीच में आवाज़ जाएगी, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। सरकार की, योगी सरकार की जो मंशा है 22 करोड़ की आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश, जनता के साथ सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, वास्तव में हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को निस्वार्थ भाव से करने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबको मिले हैं। और प्रमाण के तौर पे लॉकडाउन, जो कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, इसमें पूज्य महाराज जी ने साबित कर दिया कि एक राजा की भूमिका जनता के प्रति कैसी होनी चाहिए, जिन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर ये साबित कर दिया कि एक सन्यासी, वास्तव में सन्यासी की जो भूमिका होती है, सन्यासी का जो अपना दिनचर्या होता है, जो संकल्प होता है, उसको जनता के लिए वो निरंतर निभाते रहे। योगी सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो जनता को सीधा लाभ पहुंचाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के तरफ से कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि झोपड़ी से लेकर और महल में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आए, लेकिन कहीं ना कहीं से अधिकारियों में, कर्मचारियों में थोड़ी सी चूक हो जा रही है, जिसके चलते जनता परेशान हो रही है, भटक रही है, जनता का विश्वास थोड़ा सा टूट रहा है। सरकार का जो सपना है ये थोड़ी सी विभाग की लापरवाही की वजह से दर दर जनता भटक रही है। अस्पतालों में मरीजों की व्यवस्था, मरीजों के आहार की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, हर व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, उसको बहुत बारीकी से नज़र रख रही है, फिर भी जो मनमानी अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं या मेडिकल कॉलेज है, सदर अस्पताल है, इन सब में जो तानाशाही है, इस तानाशाही का शिकार आम जनता जो हो रही है, इसके लिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, आप जैसे पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसके प्रति थोड़ी सक्रियता हो तो आम जनमानस के लिए जीना और आसान हो जाएगा। अस्पतालों में जाइए, सबसे पहले तो सरकार को इस चीज़ पे बिल्कुल नियंत्रण रखना चाहिए, इस पे कार्रवाई भी करनी चाहिए कि जो भी सरकारी अस्पताल में सर्विस में जो भी डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो कहीं किसी भी क्लिनिक में, किसी भी जगह पे, किसी भी अस्पताल में ना तो ऑपरेशन करेंगे, ना तो वहाँ पे मरीजों को देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के चलते जब मेडिकल कॉलेज में मरीज बिहार से आते हैं, यूपी, पूर्वांचल के कोने कोने से जब मरीज पहुँचते हैं तो उनको एडमिट नहीं किया जाता है, उनको सोर्स लगाना पड़ता है,
तमाम जगह से उनको पावर लगाना पड़ता है, तब जाके उनके मरीज को देखा जाता है। नहीं तो उसमें कुछ मिले जुले ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखा देते हैं और मरीज भटकता रहता है। वही अस्पताल, वही डॉक्टर, उसी विभाग का डॉक्टर, उसी बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर है, वहाँ पे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दिखाने के लिए। लेकिन जब उसी से प्राइवेट में जाइए दिखाने के लिए तो 400-500 की पर्ची लगती है, 300-400 का कोविड टेस्ट होता है, फिर वही डॉक्टर बहुत आसानी से देख लेता है। और सरकार से, पूज्य महाराज जी से, मैं इस प्रभा साक्षी न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो प्राइवेट, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पतालों पे भी एक मानक तैयार करें। जिस प्रकार अभी कुछ प्राइवेट स्कूल शिक्षण संस्थानों पे मानक तैयार हुआ था कि इतने किस्तों में इतना ही फीस लगेगा, बच्चों का, परिवार का, परिवार के बच्चों के गार्जियन का किसी प्रकार का शोषण ना हो, 1.5-2 लाख 2-2 लाख रुपए लोग फीस लेते थे, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इस शिक्षण व्यवस्था पे महाराज जी इतना बारीकी से सर्वे करके और अपना आदेश दिए, एक मानक बनाए कि इतना ही। उसी तरह अस्पतालों में भी होना चाहिए, दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं, इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं। फिर आईसीयू में अगर किसी प्राइवेट वार्ड में किसी का मरीज भर्ती हो जाता है, पाँच दिन के बाद अगर मध्यम वर्ग का है तो स्थिति उसकी ऐसी हो जाती है कि उसको खेत बेच के अपने मरीज को डिस्चार्ज कराना पड़ता है। और किसी कारणवश अगर 10 दिन का इलाज हो गया है, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपये इलाज का खर्च आ गया है और मरीज अस्पताल में एक्सपायर कर गया, अगर डेड बॉडी उसकी रख ली जाती है, बंधक बना ली जाती है, तब तक नहीं बताया जाता है जब तक पूरा पैसा उसका जमा नहीं करा लिया जाता है, तब तक डेड बॉडी रखी जाती है। आईसीयू में है, कोई उसकी पारदर्शिता नहीं है कि आप जो दवा 10,000-15,000 का लेके जाते हैं वो आपका दवा आपके मरीज को ही इस्तेमाल कराया जा रहा है। वो दवा पर्चा बन के आता है, एडमिट हुआ, 15,000 का दवा उसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर छोटा सा केबिन रहता है, उसमें 1.5-2 लाख रुपए का दवा रहता है। आप लेके गए, अपने मरीज की चिंता है, परिवार का एक लगाव है, अंतिम कोशिश आपकी रहती है कि हम बिक जाए लेकिन मरीज को किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। आपका दवा गया, फिर वही दवा उसी प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल स्टोर पे वापस चला आता है, 10-5% दवा यूज होता है। तो ये एक बहुत मजबूरी में एक बहुत बड़ा शोषण होता है ऐसे अस्पतालों पे, ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जनता भी उसको देखे क्या कार्रवाई हुई है। जनता की गलती होती है तो जनता के कार्रवाई को तो सार्वजनिक कर दिया जाता है, लेकिन अगर इतने जिम्मेदार व्यक्ति अगर लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, शोषण करते हैं, तो उनका तो और पब्लिक में दिखाना चाहिए कि ये जिम्मेदार है, उनको दोगुना सजा मिलना चाहिए। तो कोई चैनल, में ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी 3 लाख से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर ये जनता इस आवाज़ को ज़रूरत अपना समझेगी कि हाँ वास्तव में ये जो आवाज़ है आम जनमानस तक पहुँचना चाहिए, सरकार तक पहुँचना चाहिए, तो सोशल नेटवर्क पे हर एक व्यक्ति सक्रिय है, ये आवाज़ ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनता के साथ अधिकारियों का सामंजस्य अधिकारी और जनता का न होके एक सेवक के रूप में होना चाहिए, लेकिन अधिकारी अपने अंदर बैठे रहते हैं, जनता आती है बाहर से ही उनको वापस कर दिया जाता है, उनकी मजबूरी, उनके दुख को मानवता के रूप में स्वीकार करने को कोई अधिकारी तैयार नहीं रहता है। तो इस पे भी मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक अपना दिशा निर्देश, एक अपना लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों के लिए दे कि जनता की बातों को गंभीरता से सुने और उनका समाधान करे, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी हों। और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दौरान अगर किसी भी मरीज की, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उस मरीज का अगर मौत होता है तो 99 लोगों से तो अस्पताल कमाता ही है, एक मरीज को जिसका डेड बॉडी है, जिसका अकस्मात मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, उनका एक भी रुपये अस्पताल न ले, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसा आदेश महाराज जी का आए तो आम जनमानस के लिए बहुत गर्व की बात होगी। शास्त्री जी, गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि, कर्मभूमि रही है, और चूंकि गोरखनाथ मठ से आपका पुराना एक संबंध भी रहा है, संस्कृत की पढ़ाई हो, संस्कृताचार्य आप वहां से बने, संस्कृत विद्यालय से पढ़कर, उसके विषय में थोड़ा जानकारी दें कि क्या आपका व्यक्तिगत संबंध रहा है गोरखनाथ मठ को लेकर। देखिए, मैं 2005 में बैकुंठपुर संस्कृत विद्यालय का छात्र था
उस समय पूज्य महाराज जी की एक जनसभा थी बैकुंठपुर में। उस समय मैं काफ़ी, मेरी एज रही होगी मान के चलिए कि 12-13 साल की एज रही होगी। उस समय योगी जी का मैं बहुत नाम सुना था। वहीं विद्यालय के प्रांगण में श्री बैकुंठनाथ पोहारी संस्कृत महाविद्यालय था, उसी प्रांगण में पूज्य महाराज जी का एक जनसभा हुआ। ट्रैक्टर टाली पे पूज्य महाराज जी की छोटी सी जनसभा थी जिसको प्रशासन ने रोक लगा दिया। मैं महाराज जी से उसी समय बहुत प्रभावित हुआ और उस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2005 में मैं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ में अपना एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद निरंतर मंदिर में ही रहना होता था। मंदिर के गेट पे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके आवास पे ही हम रहते थे और मंदिर के सभी लोगों से काफ़ी लगाव और 14-15 साल से मंदिर से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो एक मैं बहुत पुराना वहाँ का छात्र भी हूँ और मंदिर के जो भी धार्मिक आयोजन, उद्घाटन, पूजा पाठ, शिलान्यास होते हैं उन सब में अपने समय के अनुसार मैं उपस्थित भी होता हूँ। बड़ी गर्व होता है कि एक ऐसे संस्था से, एक ऐसे संप्रदाय से मैं जुड़ा हूँ कि जहाँ मैं शुरू से ही ये देखते आया हूँ कि पूज्य महाराज जी के ऊपर तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों होने के बाद भी कितने बारीकी से उसका निर्वहन करते रहे। एक वृक्ष के नीचे एक सामान्य कुर्सी पे बैठ के पूर्वांचल के कोने कोने से आए हुए जो भी अपना दुख लेके आता था, महाराज जी सार्वजनिक रूप से खुले मैदान में बैठते थे कुर्सी पे और सबकी बात को सुनते थे, समाधान करते थे, किसी किसी के लिए लड़ जाते थे। तो मेरे मार्गदर्शक जब पूज्य महाराज जी रहे हों तो एक बहुत बड़ी सीख मिली त्याग का और समाज सेवा का। तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर मैं अभी भी, मेरी आचार्य की परीक्षा जब मैं वहाँ से उत्तीर्ण कर लिया उसके बाद मैं पूरा समाज में समय देने लगा। समाज में समय चूँकि सरकार भाजपा से अपना ज़्यादा विचारधारा मिलता है क्योंकि राष्ट्रवाद, धर्म के प्रति जिस तरह से भाजपा प्रेरित करती है लोगों को, उसके लिए संघर्ष करती है, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो प्रभावित होकर हमने भी समाज सेवा ही चुना। समाज में और कोई क्षेत्र का वो लिमिट नहीं रखा कि यहाँ के लोग आएंगे तो ही सुनेंगे। अपनी सरकार में कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोग को न्याय मिले और कोई भी गुंडा, माफिया या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है तो उसको प्रताड़ित न करे। इस उद्देश्य से, इस संकल्प के साथ समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये एक ऐसे मंदिर से हम लोग प्रेरित हैं कि आज उत्तर प्रदेश का पूरा कमान वहाँ से संचालित हो रहा है। तो हम लोग उसी धर्म के, धर्म रूपी वृक्ष के छाँव में पले बढ़े हैं तो उसी का पालन करते हैं और बहुत गर्व महसूस होता है। इंसानियत अपने अंदर हम लोग जिंदा रखते हैं, मानवता जिंदा रखते हैं। किसी के साथ कोई अन्याय हो उसके खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं क्योंकि हम लोग पूज्य महाराज जी से प्रेरित हैं। 14-15 साल हम लोगों ने उनके छाँव में बिताया है। किसी का बड़े पद पर रहते हुए भी, कितना भी पावर में रहते हुए भी, किसी के साथ दुरुपयोग नहीं, किसी पद का दुरुपयोग नहीं। किसी भी व्यक्ति का परिचय अगर बहुत व्यक्तिगत वहाँ संबंध है तो उसका भी कोई दुरुपयोग नहीं। ये पूज्य महाराज जी से हम लोगों ने सीखा है, उसका पालन भी हम लोग करते हैं सदैव। हमसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद। और आगे भी हम लोग सामाजिक जो भी समाज का विषय है उस विषय पे हम लोग लाए इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे।